हेलो स्टूडेंट, मैं कर्वे सर छत्रपति शिवाजी आई से फिर से एक बार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत हमें आज माइक्रोमीटर के ऊपर अध्ययन करना है, मतलब माइक्रोमीटर के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो माइक्रोमीटर जो है वह एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, मतलब प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स होता है। सूक्ष्म मापी का अर्थ है, इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था जब अपन ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि वर्नियर कैलिपर को सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से माइक्रोमीटर जो है यह भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत बारीक, मतलब ऐसा माप जो हमें साधारण आंखों से ना दिखाई दे, ऐसे मापों को देने के लिए जिन यंत्रों का यूज किया जाता है, जिन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म मापी यंत्र। तो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो फ्री हैंड स्केच देख रहे हैं, जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर का कम्प्लीटली ड्राइंग बनाया गया है। इसका टाइटल है आउटसाइड माइक्रोमीटर, मतलब ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है, जो ड्राइंग है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की है। आउटसाइड मतलब इसके द्वारा अपन बाहरी माप ले सकते हैं, इस माइक्रोमीटर के द्वारा अपन बाहरी माप ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है आउटसाइड माइक्रोमीटर। यहाँ पे इसके कम्प्लीट पार्ट्स जो होते हैं, कम्प्लीट इसके जो पार्ट्स है, सभी पार्ट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है, और सभी को उनके नामों से चिन्हित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है फ्रेम। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं अर्धगोल आकार वाला, जो राउंडेड है, अर्धगोल आकार में बना हुआ है, इस पोर्शन को कहा जाता है फ्रेम। फ्रेम के जस्ट इस भाग में यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट्स देख रहे हैं, इस पार्ट को कहा जाता है एनविल। ये फिक्स होता है फ्रेम के साथ, फिक्स आगे रहता है, ये इसे एनविल कहते हैं। एनविल के जस्ट सामने में आप देख रहे हैं लंबा सा पार्ट्स है, जो कंप्लीटली इस पोर्शन के अंदर से यहाँ तक रैचेट स्टॉक तक अटैच हुआ है, जो कहलाता है स्पिंडल। ये स्पिंडल जब हम रैचेट स्टॉक को घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है कि स्पिंडल आगे पीछे मूवमेंट करता है, और इसके वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी वस्तु का, किसी जॉब का यहाँ पर माप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद स्पिंडल हो गया, मूवेबल होता है, चलित होता है, चलता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। माप लेने के बाद माप को लॉक करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है, जो पार्ट्स बनाया गया उसका नाम रखा है लॉकर। ये पोर्शन जिसके ऊपर डिजाइन बनाई गई है, नर्लिंग जिसको कहते हैं, ये है लॉकर। लॉक नट के बिल्कुल सामने में, बिल्कुल साइड में एक फिर से एक नया पार्ट है, एक फिर से पार्ट दिखाया गया है, इसे कहा जाता है स्लीव। ये स्लीव, स्लीव के ऊपर निशान होते हैं, मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिलीमीटर के निशान है, चिन्ह है यहाँ पे। इससे अपन रीडिंग लेते हैं। स्लीव के साथ अटैच है पोर्शन थिम्बल, मतलब जैसे अपने को दशमलव में वगैरह माप लेना है, तो इस थिम्बल को, इस जो डेटम लाइन होती है, इस डेटम लाइन से यहाँ पे आधार लाइन, इस आधार लाइन से यहाँ पे मैच करते हैं, कैलकुलेशन करके उसका मेजरमेंट निकाला जाता है। ये हो गया अपना थिम्बल पोर्शन इतना कंप्लीट। थिम्बल के बाद यहाँ पर आप डिजाइन वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो ये है नर्लिंग वाला, मतलब इसको हाथों में, हाथों की जो पकड़ है, इसके ऊपर जो ग्रिपिंग है हमारी उंगलियों की, वो ग्रिपिंग सही तरीके से बनी रहे, इसके लिए इसके ऊपर जो डिजाइन बनाया गया है ये नर्लिंग है। ये कम्प्लीटली पोर्शन यहाँ पर थिम्बल के अंदर बनाता है। फिर अंतिम जो पार्ट अपना बचा हुआ है वो कहलाता है, उसको कहते हैं रैचेट स्टॉक। रैचेट स्टॉक मतलब अलग अलग प्रकार की जो टेक्नीशियन होते हैं, जो कारागिर होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से उसको घुमाते हैं। घुमाते समय क्या है, किसी कारागिर का जो प्रेशर होता है हाथों का वो अधिक पड़ता है, किसी कारागिर का प्रेशर कम पड़ता है, तो कम ज़्यादा प्रेशर हो इसलिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है रैचेट स्टॉक। तो जब हम इसको घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है कि स्पिंडल आगे जॉब के संपर्क में, एनविल और स्पिंडल के बीच में जो जॉब होता है, जब वो माप कंप्लीटली उसमें फिक्स हो जाता है, तो ये फिर घूमना चालू कर देता है, और जब घूमता है तो आवाज़ निकालता है, चैट चैट की, चैट इस प्रकार की आवाज़ निकालता है। तो आवाज़ जब निकलती है, इसका मतलब कि आपका जो माप है, आपने वो माप कंप्लीटली ले लिया है, अभी हमें इसको घुमाने की आवश्यकता नहीं, मतलब एक प्रकार से रैचेट स्टॉक में संकेत करता है। तो ये हो गया अपना माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट बोले तो उसका कम से कम लिया जाने वाला अल्पतम अंक जो होता है, वो होता है 0.01 mm में, कम से कम इस इंस्ट्रूमेंट से 0.01 mm तक का माप अपन ले सकते हैं, कम से कम mm में। उसके बाद अगर हमें इंच में माप लेना है, तो इंच में माप लेने के लिए, इंच में इससे कम से कम हम माप
0.001 इंच इस रेंज में अपन माप ले सकते हैं। अधिकतम माप लेने की इसकी जो सीमा है, इसकी जो रेंज है माइक्रोमीटर के फ्रेम के ऊपर उसकी रेंज लिखी होती है। जैसा कि अपन यहाँ देख रहे हैं चित्र में 0 से 25 यहाँ लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब कि जो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इस आउटसाइड माइक्रोमीटर से कम मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर और अधिकतम जो माप है वो अधिकतम माप की रेंज रहेगी 25 सेमी। तो इसके ऊपर का यदि हमें और माप लेना है जैसे 26, 27, 28 सेमी तो उसके लिए हमें दूसरे माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गई इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, है ना। तो इसका अगला जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि अब इसके टाइप्स देखना है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः ये 3 टाइप्स के बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से इसको 3 प्रकार से बनाया गया है। तो जो पहला तो अपन यहाँ लिख दिए है ये आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहरी माप लेने वाला। तो फिर दूसरा है इसका इनसाइड माइक्रोमीटर, ये दूसरा टाइप्स, और तीसरा जो होता है वो तीसरा है गहराई मतलब डेप्थ, मुख्य प्रकार। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है, माइक्रोमीटर का दायरा, माइक्रोमीटर के पास माइक्रोमीटर से कम कितना माप ले सकते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है बाहरी माप लेने वाला माइक्रोमीटर, दूसरा होता है आंतरिक माप लेने वाला माइक्रोमीटर, और तीसरा होता है गहराई का माप लेने वाला माइक्रोमीटर। सभी माइक्रोमीटर का मतलब तीनों माइक्रोमीटर का जो अल्पतम होता है, लिस्ट कौन होता है, वह होता है 0.1 मिलीमीटर और दूसरा इंच में होता है 0.001 इंच। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।